अनाया, तुम घर जाते हुए ना मैडम से मिलती हुई जाना, शायद उन्हें तुमसे कुछ काम है। ठीक है, मैं बाकी चीजें देख लूं। आओ अनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठ। घबराओ नहीं, जिस तरह तुम करीम की लाडली हो इसी तरह मायर मेरे लिए कायनात से बढ़कर है। मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। तुम्हारी जैसी लड़की मेरे बेटे की पसंद होगी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक मिनट, आप लोग हमारे घर आए थे रिश्ता लेकर, मेरे बाबा आपके घर नहीं गए थे, और वैसे भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। एग्जैक्टली, मैं चाहती कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। तुम सोच रही होगी कि मैं अपने बेटे का दिल क्यों नहीं तोड़ रही हूं, वही दिल तुमसे क्यों तोड़वा रही हूं। उसके दो फायदे हैं। ए, मेरा भरोसा मेरे बेटे पर कायम रहेगा। बी, वो ये सोचेगा कि तुम उसे पसंद नहीं करती, इसलिए तुमने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। बिजनेस करते करते आपको तो जज्बों की तजारत भी करने आ गई। वाकिफ है आपका बेटा आपके सुनर से? खैर, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बेटे में। और जहां तक रही आपकी बात, तो जैसे आपकी सोच और ख्याल है ना, मुझे आपकी बहू बनने का कतई शौक नहीं है। तो अपने दिल से ये गुमा, गलतफहमी और डर निकाल दीजिए।